नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से बदली लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता। एक लड़की वाले परिवार को 2 लाख, 2 लड़कियों के परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, 1.5 वर्ष में पूर्ण करे दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र डगवार का निर्माण कार्य। संयंत्र निर्माण पर प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एसएमसी शिक्षकों की मांगों के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित। मुख्यमंत्री ने शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर किया जारी। मुख्यमंत्री ने एचपीएसईडीसी में वित्तीय सुधार उपायों की सराहना की। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने आज शिमला में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे धीरे दृष्टिकोण बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद द्वारा पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआरएस डाटा 2018-20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 है, जो देश के तीसरे स्थान पर है तथा हमें पहले स्थान पर आने के लक्ष्य को हासिल करना होगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भ्रूण हत्या रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को मिलने वाले 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने तथा 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन पर मिलने वाले 25,000 रुपए की राशि को 1 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शिक्षा से लेकर सेना तथा अन्य क्षेत्रों में लड़कियां आगे निकल गई हैं। वेदों और पुराणों में भी महिलाओं को अधिक सम्मान और महत्व दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार लोगों को घर द्वार पर गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार कर रही है। आधुनिक तकनीक को समाहित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में आधार से लिंक कर हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि एक क्लिक पर व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता लग सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने अधिनियम के तहत सोनोग्राफी मशीन का पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के उपयोग से प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी पंजीकरण करवा सकते हैं, जिससे उनके समय की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय स्थिति को ट्रैक करना भी संभव होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से एक सुरक्षित और प्रभावी डेटाबेस की सुविधा प्रदान करने में मददगार सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने भ्रूण हत्या रोकने के दृष्टिगत बेहतर काम करने के लिए जिला चंबा के भरमौर, जिला शिमला के ननखड़ी और मंडी जिला के जंजहैली ब्लॉक को सम्मानित किया, जिसमें लिंगानुपात क्रमशः 1015, 1087 और 996 हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इसकी एक बेटी होगी, उसको इंसेंटिव के तौर पर 2 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके 2 बेटियां होंगी, उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं भी 2 बेटी का पिता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भी 2 बेटी के पिता है, और आगे के लिए दिया जाएगा पिछले वालों कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट अच्छा होने के कारण हम थोड़े इस मामले में और आगे जाना है। अभी तीसरे स्थान पर आए, जब हम पहले स्थान पर आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। कुपोषण की भी हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ में भी हमने बच्चों के भी प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही किया जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रूपए के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिला के दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने दूध खरीद में पारदर्शिता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। प्रदेश में दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करने के लिए 43 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा। संयंत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन 2,74,000 लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य रखा जाएगा। दूसरे चरण के तहत डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस प्लांट के निर्माण संबंधी कार्य को 1.5 वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेखित वायदे के अनुसार गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की कृषि और आर्थिक विकास के लिए ये पहल महत्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं को शिमला में हिमाचल प्रदेश एसएमसी टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। उनके हितों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बजट में एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये जो शिक्षक है कई 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 18 साल से पढ़ा रहा है और कई उनको बहुत कम पैसा मिलता है, 6,000 रुपया मिल रहा है, 7,000 रुपया मिल रहा है। हमारी सरकार ने बजट में इनको पैसा बढ़ाया है, 2,000 रुपया हमने एक मुश्त बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल में 1,500 रुपया बढ़ाया, हमने पहले साल में बढ़ाया और इनकी जो ग्रीवेंसीज है उसको सुनने के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई है और किन आधार पर इनको पर फैसला किया जाता है वो तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस अवसर पर एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 1,51,111 रूपए का चेक भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर सायं शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर जारी किया। ये फेस्टिवल 12 से 15 अक्टूबर 2023 तक हिमाचल पर्यटन विभाग और दि ग्राइट इन के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के समीप जुनगा में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान लगभग 3 माह तक प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण क्षति हुई है। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पर भी इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया। प्रदेश में अब जनजीवन सामान्य है और आवागमन के लिए सभी सड़कें खोल दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन गतिविधियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजन से साहसिक गतिविधियों के साथ साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश सरकार राज्य में साहसिक पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में सभी पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के निदेशक मंडल की 106वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड और उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से सुशासन के साथ साथ पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने कहा कि HPSEDC ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 8 करोड़ 16 लाख रुपए का कुल लाभ अर्जित किया है तथा वित्त वर्ष 2022-23 में निगम का कुल कारोबार 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। उन्होंने कहा कि निगम के इतिहास में ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि और सफलता की संकेतक हैं। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि निगम की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया है और विभाग और विक्रेताओं से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। निगम ने पहली बार सरकार को लाभांश भी प्रदान किया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 5 रुपए प्रति शेयर की दर से 18,58,350 रुपए और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति शेयर 20 रुपए उच्च लाभांश के साथ 74,33,400 के चेक मुख्यमंत्री को भेंट किए। आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने तथा सरकार के राहत एवं पुनर्वास कार्य में योगदान देने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने आपदा राहत कोष के लिए 21 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू को आज शिमला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगस्याड़ जिला मंडी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह और स्वयं सेवक राहुल ठाकुर, सताक्षी शर्मा और दीपाली ठाकुर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 41,000 रूपए की राशि का चेक भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए जिला हमीरपुर के निवासी श्री नंद किशोर शर्मा ने मुख्यमंत्री को 2,01,000 रूपए का चेक भेंट किया। श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री विनय कुमार ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 3,51,000 रूपए का चेक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष श्री संजय सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 15 लाख रुपए का चेक भेंट किया। नादौन, सुजानपुर, डारासिबा और हमीरपुर के टिम्बर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 4,44,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने दानी सज्जनों और स्वयंसेवकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए समाज के सभी वर्ग उदारता पूर्वक अंशदान कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।